वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ब्रिक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और ब्रिक के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया ये पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया था, ठीक है। फिर हमने साइज पढ़ी थी, ठीक है। तीन तरह की साइज होती है हमारी, स्टैंडर्ड, कॉन्वेंशनल और ट्रेडिशनल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक, ठीक। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक पढ़ने से पहले हम ये जान लेंगे कि कितनी तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं ब्रिक के, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक है, ठीक, भारतीय मानक के द्वारा यानी इंडियन स्टैंडर्ड कोड के आधार पर, जो हमारा कोड होता है वो होता है हमारा IS 1077 1957, ठीक है, 1957, ठीक, IS 1077 1957 के आधार पर ईंटों को निम्न दो भागों में बांटा गया है, बांटा जाता है या बांटा गया है, ठीक है। तो जो दो भागों में बांटा गया है वो है हमारा कच्ची ईंटें, ठीक है, कच्ची ईंटें हैं, ठीक, कच्ची ईंट हैं, उनको बोल इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सन ड्राई ब्रिक्स, ठीक। फिर दूसरा है हमारा पक्की ईंट यानी कि बॉन्ड ब्रिक, ठीक है। बन जो सन ड्राई ब्रिक है वो क्या है, ये बहुत ही कम गुणवत्ता वाली होती है, जैसे कि जो उनकी क्वालिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। ये सिंपली क्या करते हैं, हम मिट्टी सानते हैं, मिट्टी सानने के बाद हम सांचे में ढालते हैं, फिर हम इनको सुखा के फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर ये कुछ कम क्वालिटी वाला होगा, इसीलिए इसका हम प्रयोग सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में नहीं करते, ठीक है। इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं, ईंट के साँचे से रिमूव करके यानी ईंट के साँचे में ढाल कर धूप में और या हवा में सुखा कर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग हमेशा हम लोग बहुत ही अस्थायी एवं सस्ते कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा पक्की ईंटें, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा पक्की ईंटें, ठीक। सामान्यतः इसका प्रयोग हम लोग नॉर्मली हम लोग इसका प्रयोग हम भवन निर्माण या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या अन्य इंजीनियरिंग कार्यों के लिए करते हैं, ठीक है। इनके भौतिक गुणों के यानी कि फिजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर इनको चार भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यानी कि इनको इनके फिजिकल यानी कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से बोल लो या भौतिक गुणों के आधार पर इनको चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, आईएस कोड के आधार पर कितने गए कितने हुए हमारे, दो हुए हैं, ठीक है। पहला है हमारा कच्ची ईंट है यानी सन ड्राई ब्रिक और दूसरा हमारी पक्की ईंट यानी कि बंड ब्रिक। अब बंड ब्रिक फर्दर क्लासिफाई होता है उनके क्वालिटीज के हिसाब से, तो वो है हमारा चार, ठीक है। पहला है हमारा प्रथम श्रेणी के ईंटें यानी फर्स्ट क्लास ब्रिक, दूसरा है हमारा सेकंड द्वितीय श्रेणी की ईंटें यानी सेकंड क्लास ब्रिक, तीसरा है हमारा तृतीय श्रेणी की ईंटें यानी थर्ड क्लास ब्रिक, और झामा या अधिक पकी ईंटें यानी कि झामा को झामा ही बोलते हैं इंग्लिश में, और ओवर बर्न ब्रिक, ठीक है, ओवर बर्न ब्रिक। तो इनकी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, इनको फिजिकल क्वालिटीज़ के आधार पर बांटा गया। तो सबसे पहले हम इनकी धीरे धीरे एक एक करके एक एक क्लासेस का हम
क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा प्रथम श्रेणी के ईंटे। ठीक, तो प्रथम श्रेणी के ईंटे में कौन कौन सी क्वालिटीज होती है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी होती है इनकी सतह सपट एवं किनारे तीखे होते हैं, यानी कि जो इनकी सतह है सरफेस है वो क्या होती है, एकदम सपट यानी प्लेन होती है, तथा किनारे एकदम तीखे होते हैं यानी शार्प एजेस होते हैं, यानी कि शार्प एजेस उसमें होते हैं। ठीक है, फिर है यह एक समान रंग की अच्छी तरीके से पकी हुई ईंट होती है, यानी कि यह सेम कलर का एक ही रंग का समान और अच्छी तरीके से पकी हुई ईंट होती है। इनका रंग तांबे के समान लाल होता है, यानी जिस कलर का हमको तांबा दिखाई देता है ठीक है उसी कलर का इसका रंग होता है, यानी फर्स्ट क्लास ब्रिक को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि फर्स्ट क्लास का ब्रिक है, तो सबसे पहले उसका जो सरफेस है वो प्लेन होना चाहिए, उसके जो किनारे हैं वो कैसे होने चाहिए, शार्प होने चाहिए, फिर उसके बाद होना चाहिए एक समान रंग के होना चाहिए, यानी कि कहीं पीला ना हो कहीं लाल ना हो, ऐसा अलग अलग कलर का ना हो, एक समान रंग का हो। ठीक, और इसका रंग कैसा होना चाहिए, तांबे की तरह कॉपर की तरह एकदम समान लाल रंग होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, इसका भार नॉर्मली 2.575 केजी से लेकर 3 केजी तक होता है, यानी कि इसका जो नॉर्मली वेट है वो कितना होता है, 2.75 से लेकर 3 तक होता है, यानी 2 से 2.7 से लेकर 3 केजी तक का इसका वेट होना चाहिए, उससे अगर ज़्यादा आएगा तो वो फर्स्ट क्लास का ब्रिक नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं, फिर क्या है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में है, दो ईंटों को परस्पर टकराने पर एक द्वात्विक ध्वनि यानी रिंगिंग साउंड निकलना चाहिए, मेटैलिक साउंड बोल सकते हैं या रिंगिंग साउंड, मेटैलिक मतलब धात्विक ध्वनि हो गई, और ये कैसी होनी चाहिए ध्वनि, धात्विक होना चाहिए, यानी कि एक ईंटा हम लेंगे दूसरे ईंटे से हम उसको जब टकराएंगे तो वो कैसी साउंड करना चाहिए हमारा, रिंगिंग साउंड। ठीक, वैसे नॉर्मली जब हम देखते हैं कि जो क्या होता है, जो मजदूर होते हैं जो क्या कहते हैं ट्रॉली से ट्रैक्टर से ईटा रखते हैं तो उसमें साउंड होता रहता है मेटैलिक, जैसे लगता है कि मेटल को हम लोग दो में रख रहे हैं। ठीक, तो हमेशा कैसा साउंड होना चाहिए दो ईंटों को टकराने के लिए, रिंगिंग साउंड की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है, यह हमको सुनाई देना चाहिए। ठीक, फिर आता है अंदर से एक समान रचना वाली होना चाहिए, यानी कि जब हम एक ईंटे को दो भागों में तोड़ें, ठीक है, तो जो अंदर का उसमें पार्टिकल्स है ठीक है वो कैसा दिखना चाहिए, एक समान का दिखना चाहिए, ठीक, एक तरह का दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमको सिलिका अलग से दिखाई दे रहा है, एलुमिना अलग से दिखाई दे रहा है, लाइम की मात्रा हमको अलग से दिखाई दे रही है, ठीक है, तो मैग्नीशिया अलग दिखाई दे रहा है, ये सब हमको नहीं, हमको मतलब एक तरह का समान यानी होमोजीनस दिखाई देना चाहिए, सब मिला हुआ उसके अंदर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, 24 घंटे तक पानी में डुबोने पर 24 घंटे पानी में डुबोने पर अपने भार का 15% से अधिक जल अवशोषित नहीं करना चाहिए, यानी कि 15% से अधिक जल अवशोषित नहीं करना चाहिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या नहीं होना चाहिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक 24 घंटा उसको पानी में भिगा देने के बाद वो क्या 15% से ज़्यादा अधिक जल अवशोषित नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक, ये हमने पढ़ लिया। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम की संपीड़न सामर्थ्य नहीं होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्लास ब्रिक
जो होगा वो कैसा, 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर उससे कम आ रही है तो वो फर्स्ट क्लास का ब्रिक का ईटा नहीं है, ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक का ईटा वो नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, 1.5 मीटर की ऊंचाई से एक ईंटे को दूसरे ईंटे पर गिराने पर ईंट टूटनी नहीं चाहिए, यानी कि 1.5 मीटर अभी हम क्या पढ़ रहे थे, 1 मीटर की हाइट, अब हम पढ़ रहे हैं 1.5, फर्स्ट क्लास का ब्रिक है तो उसका अलग होगा, ठीक। तो 1.5 मीटर की हाइट से अगर हम एक ईंटे को दूसरे ईंटे पर गिरा रहे हैं तो वो दो भागों में टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक। फिर क्या है, सफेद धब्बे, यानी कि जो इफ्लोरेंसेज है, यानी सफेद धब्बे किसके वजह से आएंगे हमारे, अगर हमारे सॉइल में पोटाश की मात्रा, सोडियम की मात्रा पहले से अगर प्रेजेंट है तो वो लगभग शून्य होना चाहिए, यानी कि सफेद धब्बे बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, सफेद धब्बे बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा, अंगूठे से निशान बनाने पर निशान नहीं बनना चाहिए, यानी कि अगर हम इस ब्रिक को ले रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, नाखून से स्क्रैच कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई भी निशान नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ये 10 पॉइंट है एक फर्स्ट क्लास ब्रिक को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है, कि हम देखेंगे कि हमारा कौन सा, हमारा जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके वजह से वो हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक यानी प्रथम श्रेणी ब्रिक कहलाएगा, ठीक है, प्रथम श्रेणी ब्रिक क्या करेगा वो कहलाएगा, ठीक। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए इसमें, उसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, प्लेन होगा और शार्प एजेस होंगे, ठीक, एक समान रंग का होगा, सेम कलर का होगा और अच्छी तरीके से वो क्या होगा, पूरा बंड होगा यानी पका हुआ होगा और उसका रंग कॉपर की तरह या तांबे की तरह होगा, सॉरी, ठीक है। इसका भार, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 2.57 से लेके 3 केजी तक होना चाहिए, यानी 2.75 से 3 केजी तक का होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, दो ईंटों को आपस में टकराने पर एक हमको मेटैलिक साउंड या रिंगिंग साउंड की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, ठीक है, सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। तो हमको मेटैलिक साउंड की जैसे ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, ठीक। फिर जब हम उसको दो भागों में तोड़े तो हमको एक समान रंग का उसमें उसकी रचना यानी जो उसका स्ट्रक्चर है वो हमको दिखाई देना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, अगर हम 24 घंटे अगर उसको पानी में डुबो रहे हैं तो 15% से अधिक वाटर उसका एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए अपने भार का, यानी जितना उसका भार आ रहा है उसके 15% उसका वाटर एब्जॉर्प्शन से अधिक, 15% से अधिक जल अवशोषित नहीं करना चाहिए, ठीक है। 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1.5 मीटर की ऊंचाई से अगर हम उसको फेंक रहे हैं तो वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक। सफ़ेद धब्बे उसके अंदर क्या होना चाहिए, लगभग शून्य होना चाहिए, ठीक है। अंगूठे से निशान बनाने पर कोई भी निशान नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट यूजेस, ठीक है, तो उसका क्या क्या यूजेस है, ठीक। तो फर्स्ट क्लास का ब्रिक का इस्तेमाल हम ज़्यादातर दीवार बनाने के लिए करते हैं, यानी हमको जो दीवार बनानी है उसके लिए करेंगे, ठीक। फर्श बनाना है तो हमें अच्छे क्वालिटी का ब्रिक इस्तेमाल करके बनाते हैं, ठीक। सबसे पहले हम क्या दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर हम किसी चीज़ को पार्टीशन करना हो तो उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक। फिर क्या हमें फर्श बनाना हो उसमें इस्तेमाल करेंगे, लिंटल बनाना हो, लिंटल का जो छज्जा होता है उसको बोलते हैं, ठीक। छत में इस्तेमाल करते हैं, पहले क्या होता था अर्थ ब्रिक के इस्तेमाल का छत बनाए जाते थे, अभी भी बनते हैं, ठीक, तो उसमें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये अच्छे क्वालिटीज़ के ब्रिक होते हैं,
ठीक है, पब्लिक ईट कार में किया जाता है, ठीक है, रिइंफोर्समेंट के साथ इसको यूज किया जाता है, यानी कि जैसे हम छड़ का इस्तेमाल करते हैं, रिइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ इसके में वर्क किया जाता है, ठीक, क्योंकि अगर हम छत बना रहे हैं तो जाहिर सी बात उसके अंदर छड़ रहेगा ही रहेगा, इसलिए हम उसको डाल देते हैं, ठीक है, आदि में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी की ईंट, यानी कि सेकंड क्लास ब्रिक। अब हम इसकी भौतिक क्वालिटीज को और फिजिकल क्वालिटीज की कैसे हम करेंगे तो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये ईंट भी प्रथम श्रेणी के समान ही अच्छी पकी हुई तथा कठोर होती है, यानी कि ये जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है, सेकंड क्लास जो ब्रिक है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक की तरह ही सेम होता है और अच्छी पकी हुई यानी वेल बर्न ब्रिक होता है, और साथ ही साथ ये हार्ड भी होता है यानी कठोर भी होता है, ठीक है, परंतु आकार तथा माप विशेष यानी ऑड हो सकता है, यानी कि जो उसका शेप है, जो उसका साइज है, वो क्या हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, यानी कोई और विषम यानी कुछ अलग भी हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इन ईंटों को 24 घंटे पानी में डुबोने पर इसके भार का 22% से ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए, यानी कि इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो 22% से अधिक, 22% से अधिक नहीं सोखना चाहिए, ठीक है, 22% से अधिक नहीं सोखना चाहिए, ठीक। अगर ये सोखता है तो ये कौन सा होगा, हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक, ठीक, और अगर 22% से अधिक आ रहा है तो ये हमारा सेकंड क्लास ब्रिक नहीं, ठीक है। इनका रंग हल्का लाल या पीला हो सकता है, यानी कि इन ब्रिक का कलर थोड़ा हल्का लाल होता है, ठीक है, जो ब्रिक का कलर होगा वो कैसा होगा, हल्का लाल होगा या पीला भी हो सकता है, ठीक है। अब आता है इनकी सतह खुरदुरी हो सकती है, यानी इसकी जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, खुरदुरी टाइप की होगी, अतः इस पर प्लास्टर करना आवश्यक होता है। इनके अन्य गुण प्रथम श्रेणी के समान ही होती हैं, ठीक है, थीके? तो जो इनका जो इनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी रफ टाइप होती है, खुरदुरी होती है, तो इन पर प्लास्टर करना आवश्यक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि इनको प्लास्टर कर दिया जाए, ठीक है। और इसकी अन्य गुण भी, यानी जैसे कि हमारे एक मीटर 1.5 मीटर की ऊंचाई से फेंकने पे ये दो भागों में नहीं टूटना चाहिए, ठीक है, ये दो भागों में नहीं टूटना चाहिए। फिर क्या, अंदर से एक समान रचना वाली होना चाहिए, ठीक, दो ईंटों को एक साथ टकराने पे वो मेटेलिक ध्वनि होनी चाहिए, ठीक है, मेटेलिक साउंड होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, इनका जो वेट है वो भी एकदम वही सेम होगा, यानी 2.75 से लेके 3 केजी के बीच में इनका वेट होगा ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने उसका जो फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज था हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है, वो है हमारा दीवारों पे यूज़ करते हैं, फर्शों पे यूज़ करते हैं, लिंटर पे यूज़ करते हैं, छत बनाने में करते हैं, और प्रबलित यानी कि जब भी हम छड़ का इस्तेमाल करते हैं तो इस ब्रिक का इस्तेमाल हम फर्स्ट क्लास ब्रिक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है सेकंड क्लास ब्रिक का यूज़, यानी कि हम सेकंड क्लास की ब्रिक का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है। तो इनको भी प्रथम श्रेणी के ईंटों के भांति ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्वालिटीज इनके अंदर कुछ कम है, कुछ कम यानी जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा इनका ज़्यादा है, ठीक है, इनकी जो रफ सरफेस है वो भी क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, जो थोड़ा सा रफ होता है इसलिए इनको प्लास्टर कर दिया जाता है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ में, हार्डनेस में और बर्निंग में कोई भी फर्क नहीं होता, ठीक है।
इनके बर्निंग में कोई भी फर्क नहीं होता है, ठीक, एकदम सेम ये फर्स्ट क्लास ब्रिक की तरह ही होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जहाँ पे हम फर्स्ट क्लास ब्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे दीवार बनाने में, फर्श बनाने में, लिंटन बनाने में, छत बनाने में और प्रबलित कार्यों में कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं तृतीय श्रेणी के ब्रिक पे, ठीक है, तृतीय श्रेणी के ब्रिक पे यानी थर्ड क्लास ब्रिक। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसका पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये ईंट कम पकी हुई तथा पीले रंग की होती है, यानी कि जो ईंट होती है ये क्या होती है, कम पकी होती है, यानी कि कम पकाई गई हुई पकी हुई ईंट होती है ये, ठीक है। और इनका रंग जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, पीले रंग का होता है, ठीक है, किस रंग का होगा, हमारा पीले रंग का होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, फिर नाखून खुरसने खुरसे जाने पर इन पर स्पष्ट निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर ये कम पकी रहेगी तो जो इनको स्ट्रेंथ है वो पूरी तरीके से मिली हुई नहीं रहेगी, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगी, ठीक है। अगर पीला रंग है तो जाहिर से बात है कि ये अच्छी तरीके से और नहीं पका है, ठीक। तो जब ये पका नहीं है तो अगर इसके ऊपर हम नाखून से स्क्रैच करेंगे, ठीक, तो जाहिर सी बात है वो स्पष्ट निशान हम पड़ ही पड़ जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर हमको दिखाई देगा, ठीक है। फिर क्या है, दो ईंटों को परस्पर टकराने पर मंद एवं भद्दी आवाज निकलती है, यानी कि जब हम थर्ड क्लास ब्रिक को दो भाग में अगर हम टकराएंगे, दोनों को आपस में टकराएंगे, तो आपको कैसी मंद, यानी मंद माने बहुत कम और भद्दी आवाज टाइप हमको सुनाई देगी, ठीक है। फिर क्या है, ये अपने भार का 25% या अधिक पानी सोख लेती है, यानी कि ये सबसे ज्यादा पानी सोख लेती है, यानी कहता 25% से अधिक पानी सोख लेता है, ठीक है, अपने भार का, बाय वेट ऑफ ब्रिक। क्या करेगा, ये 25% से भी सोख लेगा, ठीक है, अपने भार से क्या करेगा, 25% से वाटर बहुत ज्यादा सोख लेगा, ठीक। इनकी संपीड़न सामर्थ्य भी कम होती है, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। और इनकी आंतरिक संरचनाएं यानी इंटरनल स्ट्रक्चर एक समान नहीं होता है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट क्लास ब्रिक में कि इनकी जो जो स्ट्रक्चरल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है, और कैसा होना चाहिए, एक तरह एक रंग का होना चाहिए और तांबे के समान का रंग होना चाहिए, तो थर्ड क्लास ब्रिक में वो चीज़ नहीं होती है, इनका एक समान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कहीं पे काला हो, कहीं पे पीला हो, कहीं पे लाल हो, इस तरीके का इनमें दिखाई देता है, ठीक है। अगर उस तरीके का ब्रिक हमको दिखाई दे रही है तो वो किस क्लास का ब्रिक है, हमारा थर्ड क्लास का ब्रिक है, ठीक है। अब आते हैं हम उपयोग पे, तो इन ईंटों का उपयोग कम मजबूत अस्थायी यानी टेम्परेरी तथा निम्न श्रेणियों के कार्यों में किया जाता है, यानी कि जहाँ पे हमको नॉर्मल साइज स्ट्रक्चर बना के तोड़ देना है वहाँ पे इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, यानी टेम्परेरी वर्क, कोई भी टेम्परेरी वर्क है, यानी कि हमको मान लो यही हमको इसको इस रूम को थोड़ी देर के लिए हमको बंद करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम उस ईंट का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड क्लास ब्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि ईजिली से हमें तोड़ने में आसानी हो, ठीक है, इसलिए हम इसको बीच में थर्ड क्लास ब्रिक का इस्तेमाल करके पार्टीशन कर देंगे, फिर अगर मान लो अगर हमको बाद में फर्दर हटाना हो तो हम उसको हटा सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हटा सकते हैं जिससे हमारा क्या होगा, टेम्परेरी काम हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसी ऐसी जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो कौन सा होगा ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक होगा, ठीक है, थर्ड क्लास के ब्रिक का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमको कम मजबूत यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं देनी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोड आए, ठीक है, जहाँ पे लोड बहुत कम आए वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसा कि फाउंडेशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोड तो बीम पे आएगा, ठीक, जो उसके नीचे वाला भाग है बीम के नीचे वाला, तो हम क्या करते हैं फाउंडेशन उठा सकते हैं अपना, ठीक है। ठीक, अब हम आते हैं झामा या अधिक पकी ईंट। ठीक है, जब ईंटों को पकाया जाता है तो बहुत अधिक तापमान पर मिट्टी की तल पिघल जाती है, जिसके कारण इनका आकार परिवर्तित हो जाता है और ईंट टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक, यानी क्या होता है, जब भी हम ईंट पकाने ले जाते हैं तो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा तापमान होता है तो उससे मिट्टी के जो तल होते हैं, यानी कि जो मिट्टी का नीचे वाला पार्ट होता है बॉटम तल, वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका आकार में चेंजेस आ जाते हैं। अगर वो पिघलेगा तो कहीं ना कहीं तो श्रिंकेज होगा ही, ठीक है, कहीं ना कहीं तो सिकुड़न होगा ही, तो उससे क्या हो जाता है, ईंट टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो उसी ईंट को हम बोलते हैं झामा ईंट या ओवर बर्न ब्रिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन ईंटों का रंग गहरा लाल, बैगनी अथवा काला होता है। ठीक है, ये जो झामा ईंट होता है और ओवर बर्न ब्रिक होता है, उनका रंग कैसा होगा, गहरा लाल होगा, बहुत ज़्यादा लाल होगा, और बैगनी टाइप का होगा, ठीक है, पर्पल, और साथ ही साथ काला भी होता है। ठीक है, अधिक कठोर होती हैं तथा इनका अपघर्षण सामर्थ्य भी प्रथम श्रेणी के ईंटों से ज़्यादा होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, अधिक हार्ड होती है। ठीक, इनका जो अपघर्षण सामर्थ्य, यानी कि फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ जो होता है, फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ, अपघर्षण सामर्थ्य जो होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा प्रथम श्रेणी ईंट के, प्रथम श्रेणी की ईंटों से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ईंटें कम पानी सोखते हैं, यानी कि ये बिल्कुल ही पानी नहीं सोखता है, क्योंकि ओवरबर्न्ड है तो कम पानी सोखता है, कम पानी मतलब हो सकता है 10%, 5%, 6% ऐसे करके सोख सकता है, यानी कि ये नॉर्मली एकदम निग्लिजिबल पानी सोखता है। ठीक है, अब हम इसका यूज़ पढ़ लेंगे, यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। टेढ़े मेढ़े ईंटें होने के कारण इन ईंटों का प्रयोग चिनाई कार्यों में नहीं किया जाता, यानी कि ये अगर हमको एकदम सीधा सीधा, मतलब एक जैसे हमको एक ये वॉल चाहिए पूरा, तो वॉल के लिए हमको क्या एकदम साफ सीधा सीधा ईंटा चाहिए, तो ये क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर चिनाई में नहीं कर सकते। ठीक है, परंतु गिट्टी बनाने में, यानी कि जब भी हम फर्श बनाते हैं तो उसमें हम किसका इस्तेमाल, झामा ईंटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमको मजबूती भी चाहिए होता है और उसको हमको तोड़ भी सकते हैं आसानी, क्योंकि हमको छोटे छोटे भागों में तोड़ के इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, गिट्टी बनाने में, सड़क के स्कंद यानी शोल्डर बनाने में, जो किनारे किनारे यूज़ हुआ करते हैं रोड के, सड़कों के, उसको बोलते हैं शोल्डर, या स्कंद को बोलते हैं शोल्डर बनाने में, खड़ंजा बिछाने में, खड़ंजा आसानी से बिछा सकते हैं अगर टेढ़ा भी हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तथा नींव यानी फाउंडेशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये अंदर की रहेगा, स्ट्रक्चर के बाहर हमको ऊपर की ओर हमको नहीं दिखाई देगा, कार किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न श्रेणी की संरचनाओं में भी इनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इनका और आगे, यानी कि और भी कई चीज़ों में इनका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हम लोग फर्श बनाने में और फाउंडेशन बनाने में, यानी नींव बनाने में करते हैं। ठीक है, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ठीक, तीन तरह के, चार, दो तरह के क्लासिफिकेशन था, पहला था हमारी कच्ची ईंट यानी सन ड्राई ब्रिक, और दूसरा था हमारा पक्की ईंट यानी बर्न ब्रिक। ठीक है, बर्न ब्रिक में चार तरह का था हमारा, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, और चौथा था झामा और ओवर बर्न ब्रिक। ठीक है, अब हम इसका आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बाद, और उसमें पढ़ेंगे हम टेस्टिंग ऑफ ब्रिक। ओके, थैंक यू।